आप 30 दिन में एक नया CSC ID ले सकते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप भी लेना चाहते हैं एक नया CSC ID, वो भी 30 दिन के अंदर में, तो इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे आप 30 दिन में एक नया CSC ID ले सकते हैं। और हम एक CSC VLE हैं, हम किसी दूसरे व्यक्ति का CSC के लिए रजिस्ट्रेशन किए थे और उसका ID जो है 30 दिन में अप्रूवल हो चुका है। पहले हम उसका ट्रैक एप्लीकेशन करेंगे, आपको उसका ID जो जनरेट हुआ है वो हम आपको दिखाएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन के जरिए और यहाँ क्लिक हेयर पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम एप्लीकेशन नंबर को डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डालते हैं। उसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करते हैं। पे आप देख सकते हैं CSC ID जो है वो जनरेट हो चुका है और ये 30 रोज लगा है। 30 रोज में जो ये ID है वो हमें मिल चुका है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं नया CSC के लिए, तो उनसे पहले हम आपको ले चलते हैं डिजिटल सेवा पोर्टल पे और हम आपको दिखाते हैं कि इसमें कौन कौन सी सर्विसेज चलाए जाते हैं गवर्नमेंट सरकार के तरफ से और कौन कौन सा सर्विस का आप लाभ उठा सकते हैं। हम डिजिटल सेवा पोर्टल पे लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा कैटेगरीज दिया हुआ है, हर एक कैटेगरी में बहुत सारा सर्विसेज भी है। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं एग्रीकल्चर जो किसान के लिए, और दूसरा यहाँ पे बैंकिंग जो कि अगर आप CSC ID लेते हैं तो आप एक नया BC पॉइंट ले सकते हैं बैंक का। उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट की सर्विसेज है और यहाँ पे इंश्योरेंस है, इलेक्ट्रिसिटी है, फास्टैग है, उसके बाद टेलीकॉम है, टैक्स पेमेंट है, DTH है, हेल्थ है, इसमें बहुत सारी सर्विसेज है। और आगे बढ़ के यहाँ पे गैस देख सकते हैं, पेंशन हो गया, वाटर हो गया, ट्रैवल हो गया, लोन हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, स्किल हो गया, स्टोर हो गया, सर्विसेज, समझ गए। सबसे पहले हम गवर्नमेंट सर्विस के बारे में आपको बताते हैं। गवर्नमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पॉपुलर पे जाएंगे तो ये सब पॉपुलर सर्विसेज है जो अभी चल रहा है काफ़ी ज़ोरों शोरों से। यहाँ पे नया सर्विस देख सकते हैं, ये नया सर्विस है CSC में और यहाँ पे हर एक स्टेट के लिए अलग अलग से दिया हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट का नाम है, आप जिस भी स्टेट में जा कर के आप अपना सर्विस चेक कर सकते हैं। अगर हम हर एक कैटेगरी के बारे में अगर बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। उसके लिए आपको इस वाले पेज पे आना होगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं VLE रजिस्ट्रेशन, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सेलेक्ट एप्लीकेशन टाइप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं CSC VLE, इसको चूज़ करना है। और यहाँ आपको TEC सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा। अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो पहले TEC पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट नंबर डाल करके यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना होगा, उसके बाद कैप्चा डाल के सबमिट पे क्लिक करेंगे और आप आगे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर TEC का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, अगर उसके बारे में पता नहीं है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे का पार्ट देखने के लिए आपको नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो पर विजिट कर सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।